एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। दोनों शहरों की तमाम हलचल पर रखे बिल्कुल नजदीकी नजर, दुनिया भर की खबरें आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इम्तियाज अली एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूँ। देखते हैं आज की खुसूसी खबर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के मौके पर तमाम टीआरएस के कारकुन और टीआरएस लीडर हर जगह जगह चंद्रशेखर राव के जन्मदिन के मुबारकबाद आवाम में पेश किया जा रहा है। नादरीन, इसी के पेश नज़र चलते आज नामपल्ली इसुफेन दरगाह, जो हैदराबाद के मशहूर और मरूफ दरगाह है, वहाँ पर मिनिस्टर तेलसानी श्रीनिवास यादव के अलावा नामपल्ली टीआरएस पार्टी इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ और तमाम एरिया लीडर्स और एरिया प्रेसिडेंट ने वहां पर पहुंचकर इसुफेन दरगाह पर पहुंचकर केसीआर की लंबी उम्र की दुआ की। टीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुआ कर ये कहा कि हम आने वाले समय में केसीआर को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। मीडिया से मुखातिब होकर टीआरएस पार्टी इंचार्ज आनंद कुमार गौड़ ने पूरी तफसीलात बताई। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शौकत की एक्टिव न्यूज से ये रिपोर्ट। उनकी उम्र दराजी के लिए हमने तो मोहब्बत के साथ तमाम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी हाजिर को कबूल कर केसीआर साहब के उम्र हम दराजियाँ आमीन। जितने भी रुकावटें उनकी तरक्की के बीच में आ रही हैं, उन तमाम रुकावटों को दूर कर आमीन। बने करीम इस बने करीम हमारे मजलिस में जो मौजूद थे, बने करीम श्रीनिवास यादव साहब के भी सर के काम का निर्माण श्रीनिवास साहब को मलय करीम उम्र दराज अता आमीन। जितने भी कारकुन यहाँ पर जमा हुए हैं, तमाम के लिए खैर के फैसले फरमाएं, तमाम के लिए विजय। बड़ा दिन है, एक महान व्यक्ति का आज जन्म हुआ, उनका नाम है कल्लोकुंटी चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के सीएम है और आज सीएम है। मगर आज बाबा यूसुफ बाबा के दरगाह पे आज तलसानी श्रीनिवास यादव साहब आकर चादर चढ़ाए, दुआएं मंगे कि हमारे सीएम कल को पीएम होना बोल के। उसी तरीके से आज हमारे साथ हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे टीआरएस जनरल सेक्रेटरी बंडी रमेश साहब, सिद्दीकी साहब, लक्ष्मीनारायण साहब, दयानंद साहब, जक्की भाई, हमारे नईम भाई, बासित भाई, अश्विन भाई, असलम भाई, पूरे सीनियर लीडर्स के साथ हम लोग यहाँ आज प्रदीप भाई, नरेंद्र बिल्लम, पूरे जने आज यहाँ यूसुफ बाबा दरगाह कने आके चादर चढ़ा के साहब के शहीद के लिए दुआएं मांगे। और साहब बहुत अच्छे तरीके से रहना साहब का ये देश में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी राष्ट्र जो है पीएम बने हुए जो 10 साल से हुकूमत चला रहे पूरे देश को तीरा बिंगा कर डाले, तो बीजेपी के जो भी गवर्नमेंट चल रहा उस गवर्नमेंट को रिप्लेस करना है तो सिर्फ केसीआर साहब ही कर सकते। केसीआर साहब ही पीएम के पोजीशन पे जा सकते। केसीआर साहब के इतने पदकम से जो पब्लिक उनको दिल से चाहिए है, अभी दलित बंधु भी पदकम है, बहुत 19 सितम पब्लिक इंडिया में है, उनको मगर कोई देखभाल नहीं है।
तो हमारे KCR साहब की सोच हर गरीब को कुछ ना कुछ घर पे एक पदकम पहुंचता है। तो ये पूरा इंडिया में पहले गुजरात रोल मॉडल था, मगर 7 साल में अपना तेलंगाना एक रोल मॉडल बन गया। अभी तेलंगाना का CM बोल तो पूरे इंडिया में नंबर 1 CM है। आज नहीं तो कल हमारे साहब PM बनते, 100% PM बनेंगे। और यूसुफ बाबा के दरगाह के ने साहब के ऊपर जो चादर चढ़ा है बाबा के ऊपर, उनके दुआएं भी रहेंगे साहब के लिए, साहब के लिए सेहतमंद रहेंगे। बाबा के दरबार में जो भी आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। तो साहब के बाबा के दुआओं से साहब PM 100% बनेंगे। उनके अभी जो तरीके से चल रहे वो पब्लिक के चाहने वाले, पब्लिक चारे की एक बदलाव आए, देश में एक बदलाव आए। अच्छा CM जाके PM बनना बोल के आप सबको, मैं आप सब यहाँ आए सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको हमारे KCR साहब के लिए दुआएं करो बोल के सबको मैं गुजारिश कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय KCR। एक्टिव न्यूज चैनल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एडिटर मोहम्मद इम्तियाज अली। For more details and advertisement on this channel, please contact on this number. And do not forget to like, share and subscribe our channel.